Hello friends, don't forget to like, subscribe and share with your friends and family. Assalamualaikum friends, आज हाजरा कुक शो लेके आया है आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी और यूनिक रेसिपी जिसका नाम है लखनवी स्टाइल शामी कबाब। और इसी के साथ मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी एक मज़ेदार सा सॉस जिसका नाम है ट्विस्टेड स्पाइसी सॉस। ये सॉस बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो बनाइए, चाहे तो अवॉइड करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 1 किलो के बराबर मटन बोनलेस और इसी के साथ कुछ साबुत गरम मसाला है जैसे कि 1.5 टीस्पून जितना ज़ीरा, 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स और 10 से 12 ब्लैक पेपर। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर, 1 हैंडफुल जितना फ्रेश कोरिएंडर। यहाँ पे मैंने लिया है रफली चॉप अनियन, तकरीबन 1 बड़ी ऑनियन थी, 8 से 10 ग्रीन चिल्ली स्पाइसी वाली, 2 टेबल स्पून के बराबर रेड चिल्ली क्रश, टर्मरिक पाउडर है 1/2 टीस्पून और 12 से 15 गार्लिक और 3 इंच जितना अदरक का टुकड़ा और नमक लिया है अपने ज़रूरत के मुताबिक। चने की दाल को अच्छे से वॉश करके भिगाने के लिए रख देंगे तकरीबन ओवरनाइट के लिए। और ये देखिए दाल हमारी कैसे अच्छे से गल चुकी है। एक कुकर में आपने लेना है 1 ग्लास के बराबर पानी, इसी के साथ हम डाल देंगे मटन और जो साबित गरम मसाला, ग्रीन चिल्ली, रफली चॉप्ड अनियन, नमक और हल्दी पाउडर डाल के हम इसे रख देंगे पकाने के लिए। और इसी के साथ हम डाल देंगे साथ में ही दाल जो हमने भिगो के रखी थी मटन के साथ। और इसे आपने कुकर लगा के रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए ताकि जो हमारे मटन है, दाल है, वो अच्छे से गल जाए। ये टोटली आपके मटन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम चाहिए पकाने के लिए। और तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, ये देखिए हमारा कितना अच्छे से मटन और दाल पक चुकी है। हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और बाउल में निकालने के बाद इसमें हम डालेंगे रेड चिल्ली क्रश गरम मसाला पाउडर और इसे आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे जूसर मिक्सर ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे मैं हैंड विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें कोरिएंडर पाउडर और 1 छोटी प्याज को चॉप करके आपने डालना है। ये टोटली ऑप्शनल है, प्याज चाहे तो अगर आप डालें, नहीं चाहे तो अवॉइड कर दीजिए। इसे आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक राउंड शेप में इसको एक पेटी बना लेनी है। मैं इस पेटी को राउंड शेप में बना रही हूँ, अगर आप चाहे तो कोई और भी शेप में इसे बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इसका कलर कितना बढ़िया आ चुका है। और देखते ही देखते हमारी सारी शामी कबाब बनके तैयार हो चुकी है। अब आते हैं हमारे ट्विस्टेड स्पाइसी सॉस की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच क्रीम चीज़ और इसी के साथ 1 बड़ा चम्मच मेयोनीज, 2 टेबल स्पून के बराबर थाई चिल्ली सॉस और 1 टेबल स्पून के बराबर सनाचा हॉट सॉस, 1/4 टीस्पून जितना ओरिगानो सीजनिंग। इसे आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम फ्राई करेंगे हमारे शामी कबाब। तो इसके लिए 2 अदद अंडा लिया है, अपने ज़रूरत के मुताबिक नमक और ब्लैक पेपर पाउडर और हल्का सा रेड चिल्ली फ्लेक्स डाल के आपने इसे फेंट लेना है। और इसे आपने अंडे में डिप करके इसे आपने शैलो फ्राई करना है जब तक कि आपकी कबाब अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। और इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि शामी कबाब हम शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आपकी शामी कबाब टूट सकती है। ये देखिए हमारी शामी कबाब अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे
और ये देखिए फ्रेंड्स हमारा कितना अच्छा कलर आ चुका है। शामी कबाब भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। बिना टूटे हुए हमारी मज़ेदार सी लखनवी शामी कबाब बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारा ट्विस्टेड स्पाइसी सॉस। ये टोटली ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो इसे बनाइए, अगर बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी ये शामी कबाब। तो मेरे चैनल हाजरा कुक शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।